क्या आप भी मेरी तरह ही अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th की मार्कशीट कहीं पर रखे भूल जाते हैं और आपको पता नहीं कि हम उसको कहाँ ढूंढे और आपको इमरजेंसी में इसको कहीं पर देना है और हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में इन सब जगह पे आपको इसको देना है, तो ये कैसे आप कर सकते हैं अगर आपने पहले से इसको कहीं एक सिक्योर जगह पे रख दिया है? लेकिन लोग ऑनलाइन वाली कॉपीज़ को भी नहीं मानते, वो बोलते हैं कि फ़ोटो क्लियर नहीं है, ये है फलना फलना, बट इसका भी एक सॉल्यूशन है जो रखा है जिसका नाम है डिजी लॉकर ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो कि आपकी डेटा को, सेंसिटिव डेटा जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट हो सकती है, वो हो सकती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं, और आपने वैक्सीन वगैरह लगा रखा है, आप उन्हें कहीं पर ऑनलाइन सेव किया था बट आपको वो मिल नहीं रहा, हो सकता है आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया हो, तो इस तरीके की डॉक्यूमेंट जो है एक जगह पर सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप अपना एक डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है डिजी लॉकर और उसके बाद आपको सर्च आइकन पे टैप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजी लॉकर जो है आ गया है। अब इसकी रेटिंग वगैरह, डाउनलोड्स वगैरह और इसकी सिक्योरिटी वगैरह को चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। कोई आपको गलत ऐप दिख रहा हो तो उसको आप ना इंस्टॉल करें, ऑफिशियल जो कि ऑथेंटिक है उसके कमेंट वगैरह को भी चेक करके इंस्टॉल करें। जैसे आपका ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है ओपन पे क्लिक कर दें। अब ओपन पे क्लिक करने के बाद ये पहली बार लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप लैंग्वेज चूज़ करें, उसके बाद कंटिन्यू पे करें। फिर अगर आप यहाँ पर पहले से चीज़ों को लोड वगैरह करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप करके बाद में भी आप मैन्युअली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद आपको जो है अपना एक 6 डिजिट का एक पिन बनाना होगा और उसके बाद आपकी ये एक डिजी लॉकर की आईडी बन जाएगी। इट इज़ दैट इजी। पहले ये क्या था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड वगैरह रखवाते थे और आप भूल जाते थे बार बार, आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके बाद आपको OTP वगैरह मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए OTP डाल के सबमिट कर देंगे। अपना आधार नंबर चाहे तो स्टार्टिंग में डाल दें, क्योंकि हम इसी के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आधार कार्ड से जो नंबर आपका कनेक्ट होगा वो उसको उसमें OTP आएगा, वो एंटर करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं और ये आपको ABC जो है एजुकेशन कार्ड वगैरह भी है वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कोविशील्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें भी आती रहेंगी, वो भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए क्या यूज़फुल है। तो इस तरीके से आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रो हेल्प करेगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।